राम के पावन सुलभना। मैं बहुत बार मैं देखती हूँ कि हाजिर तो है पर गैर हाजिर हो गया। लोग हाजिर होके फरार हो जाते हैं। श्रोताओं की आंखों से मैं समझ जाती हूँ कि बंदा यहाँ है पर यहाँ आप चित्त चेतना से राम के हो जाए, रामत्व को अपने चित्त में भर ले, अपने चित्त के भीतर की वो ऊर्जा का रूपांतरण कर ले, वो क्रोध की लोभ की मोह की वासना की महत्वाकांक्षा। बुरा नहीं है क्रोध देवियों, बुरा नहीं है लोभ मोह, ऊर्जा है ये, इस ऊर्जा का रूपांतरण होना चाहिए। लोभ करुणा में बदल जाए, वासना प्रार्थना में बदल जाए और चित्त की महत्वाकांक्षाएं समर्पण में अर्पित हो जाए। हमारी ऊर्जा का रूपांतरण इस राम कथा से संभव, हमारे चित्त का साधक जागृत हो जाए, हम विषय वासनाओं से मुक्त होकर उस परम आनंद की स्थिति में कि सुख पाना है, सुख सुख पाना है तो बाजार में घूमिएगा, उधर सुख मिलता है नहीं सुविधा मिलती है। तुम एयर कंडीशन में हो, तुम सुविधा में हो, जरूरी नहीं है कि तुम सुखी हो। सुविधा में होना अलग बात है, सुखी होना अलग बात है। और सुखी लोग होते हैं लेकिन बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। देखा तुमने सुखी को दुखी होते, अपने सुख के लिए मैंने अपनी प्रेमिका को चाहा था लेकिन उसी के कारण मैं दुखी हो गया। लोग कहते हैं उसने दुख पैदा कर दिया, मित्र शत्रु बन गया, सुख बन के जो निमंत्रण देता था दुख का रूप धारण करके खड़ा हो गया। और छिंदवाड़ा वालों जिनकी इज्जत बड़ी होती है उनकी बेइज्जती बड़ी जल्दी हो जाती है। नमस्ते भर मत करो, आज बबूला हो जाएंगे। जो मान की खुराक पाते हैं उनका अपमान तो चुटकी में किया जा सकता है। मान और अपमान, लाभ और हानि, हर्ष और विषाद, संयोग और वियोग तो साथ साथ चलते हैं। सुख का सिक्का उठाओगे तो दुख का दूसरा पहलू स्वीकार करना ही पड़ेगा। राम कथा निमंत्रण देती है कि सुख नहीं, सुख से परे कुछ है। सुखी तो तुम होते हो, जब पत्नी का घूंघट उठाया था तो चंद्रमुखी जैसी दिखी थी, बाद में सूरजमुखी जैसी लगने लगी, 8-10 साल बाद तो ज्वालामुखी जैसी दिखने लगी। ऐसा ही होता है। एक ने कहा दीदी वो 8 साल में जिससे ब्याह करना चाहता था 8 साल संघर्ष करता रहा, घर वालों ने खूब जोर लगाया, मैं नहीं माना, अपनी प्रेमिका को पत्नी बना ही लिया। 3 साल पहले मेरा ब्याह हो गया तो मैंने कहा ये बताओ तेरी पत्नी ने आज कौन से रंग के कपड़े पहने। बेचारा 8 बूंद के खोपड़ी खुजाता रहा। फिर बोले दीदी माँ आप कह रही हो किस रंग के कपड़े पहने, मुझे तो चेहरा भी ढंग से याद नहीं आ रहा। मैंने कहा ये दुनिया ऐसी है, ये दुनिया जब खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। ये दुनिया जब खिलौना है, ये बड़ी विचित्र है दुनिया। जो पागल सुखी होना चाहता है वो स्वयं को दुख में पाता है, लेकिन राम कथा निमंत्रण देती है हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीख ले, झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना कोई हमसे। झंझटों से भाग मुंड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज और बनी बनाई रोटी मिले, लोग कहे महाराज इससे सस्ता धंधा तो दूसरा है ही नहीं। झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख ले।
औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, पर आंख अपनी में समाना कोई हमसे सीख ले। आंख गैरों से लगाना बच्चा बच्चा जानता, पर आंख अपने से लगाना कोई हमसे सीख ले। जीते ही जी बचाने के लिए सब वैद्य हैं, हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। राम कथा का निमंत्रण है, राम कथा का निमंत्रण है कि अगर परमानंद की संपदा चाहिए